बारिश अच्छी हो तो खुशहाली लाती है, ना हो तो आंसू। हम पानी बना नहीं सकते, लेकिन हाँ पानी बचा जरूर सकते हैं। इसी दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन फॉर जल आंदोलन और कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। आजादी के बाद पहली बार देश में जल संरक्षण के लिए इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। प्रधानमंत्री जी की इस पहल में गुजरात कदम से कदम मिलाकर साथ चल पड़ा। जल संचय जन भागीदारी मुहिम में गुजरात के आमजन, प्रशासन और छोटी बड़ी इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी जैसे जिलों में 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैंपेन मोड में तैयार हो रहे हैं। दक्षिण गुजरात में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 13,000 से ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। सूरत ने इस कैंपेन में नवाचार के जरिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन और जल दिवाली जैसी मुहिम रंग ला रही है। तो वहीं स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से प्राइवेट सोसाइटी, कॉरपोरेशन की इमारतें, विस्तारों और ब्रिज पर जमा होने वाले पानी के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। गुजरात ने नवसारी के अमलसाड़, सालेज, नवसारी शहर, चिखली तालुका, वलसाड़ जिले, सूरत के ओलपाड़ तालुका, डीसा और राजकोट विस्तार में सैकड़ों रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार कर लिए हैं। और ये सब संभव हुआ है जनभागीदारी से। समाज का हर वर्ग, किसान, सरपंच, युवा या समाज के विभिन्न समूह, स्वयं सहायता समूह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं डेयरी उद्योग, GIDC, इंडस्ट्रीज के CSR के माध्यम से बड़े और छोटे उद्योग और एसोसिएशन भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। गुजरात सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वां वित्त आयोग, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती अनुदान, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अनुदान, जिला ग्रामीण विकास अनुदान, ट्राइबल एरिया सब प्लान, वहीवटी विभाग ग्रांट, समग्र शिक्षा ग्रांट का समन्वय कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार रही है। और आज देश में गुजरात का जल संचय जन भागीदारी मॉडल जन आंदोलन की तरह बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने। कैच द रेन के द्वारा जल सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें।